दोस्तों, हर देश में आदमी की लंबाई का औसत अलग अलग है, लेकिन कुछ लोगों को उम्मीद से ज्यादा लंबाई कुदरत की देन के रूप में मिल जाती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनकी लंबाई आम इंसानों की मैक्सिमम लंबाई से कहीं ज्यादा है। हालांकि ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि पुराने जमाने में लोग 20 से 22 फीट के होते थे, लेकिन मौजूदा समय में भी कुछ लोग हैं जो सबसे ज्यादा कद के हैं, जो उन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाता है। तो आज इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे लंबे आदमियों के बारे में जानेंगे, जिनकी लंबाई देख के कोई भी हैरानी में पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नंबर 10, सुल्तान कोसेन। सुल्तान कोसेन दुनिया के सबसे लंबे आदमी हैं। उनकी हाइट 8 फीट 3 इंच है। सुल्तान तुर्की से है और एक बीमारी की वजह से उनकी हाइट इतनी बढ़ गई है। सुल्तान कोसेन अब एक किसान है और अपनी असामान्य ऊंचाई के कारण दुनिया भर में पॉपुलैरिटी पा चुके हैं। उन्हें दुनिया के सबसे लंबे इंसान की जगह दी गई है। नंबर 9, इब्राहिम तकीउल्लाह। इब्राहिम तकीउल्लाह दुनिया के सबसे लंबे इंसानों में से एक है। उनका जन्म मोरक्को के एक गांव में हुआ था। उनकी हाइट 8 फीट 1 इंच है। इनके इतने लंबे होने का कारण ये है कि उनके पेट में एक गुच्छा है और उन्हें कई बार गंभीर बीमारियां हो जाती है, लेकिन इन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए संतुलित जीवन जीना सीख लिया है। उन्हें ऊंचाई के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। नंबर 8, धर्मेंद्र प्रताप सिंह। धर्मेंद्र प्रताप सिंह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर से हैं। इनकी हाइट की वजह से इन्हें दुनिया के सबसे लंबे आदमी के तौर पे गिना जाता है। उनकी हाइट 8 फीट 1 इंच है। अपनी इस हाइट की वजह से धर्मेंद्र ने दुनिया भर में नाम कमाया है और उन्होंने गिनीज बुक में भी एंट्री की है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रताप सिंह संगीत प्रेमी हैं और कई संगीत प्रोग्राम में अपनी आवाज दे चुके हैं। धर्मेंद्र ने अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए अपनी हाइट का फायदा उठाया। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 7, मुर्तजा मेहरजाद। मुर्तजा मेहरजाद से लग जानी एक ईरानी वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, जो अपनी ऊंचाई और वजन के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। उनकी ऊंचाई 8 फीट 1 इंच है, जो उन्हें दुनिया के सबसे लंबे वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। इनके अलावा उनका वजन 150 किलोग्राम है, जो उन्हें दुनिया का सबसे भारी वॉलीबॉल खिलाड़ी बनाता है। उन्होंने कई अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के खेलों में भाग लिया है और अपने कारनामों से लोगों को प्रभावित किया है। फिलहाल वो ईरान वॉलीबॉल टीम के कप्तान के पद पे हैं। नंबर 6, झांग जनचाई। झांग जनचाई दुनिया के सबसे लंबे लोगों में से एक है। ये चीन के हेनान के रहने वाले हैं। इनकी हाइट 7 फीट 11 इंच है। वो अक्सर अपनी हाइट की वजह से लोगों की नजरों में आ जाते हैं। झांग के परिवार के सदस्य भी उन्हीं की तरह लंबे हैं। उसका वजन 200 किलो है। झांग अपने लंबे कद के कारण बास्केटबॉल नहीं खेल पाते थे, लेकिन अब उन्हें कई इवेंट्स में अपने कद का इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। नंबर 5, असदुल्ला खान। असदुल्ला खान भारत के एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी हाइट के लिए जाने जाते हैं। वो 7 फीट 7 इंच की ऊंचाई के साथ साथ भारत के सबसे लंबे व्यक्ति में से एक है। वो अपनी हाइट के कारण दुनिया भर में फेमस है और उसने अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए उन्होंने कई टीवी शोज, फैशन शोज और इवेंट में हिस्सा लिया है। उनकी ऊंचाई के कारण उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दर्जा दिया गया है। वो अभी बॉलीवुड में भी कुछ फिल्मों में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 4, नसीर सुमरो। नसीर सुमरो एक पाकिस्तानी जुड़वा भाई है, जिन्हें द टॉल मैन के रूप में जाना जाता है। वो 7 फीट 11 इंच की ऊंचाई के साथ साथ दुनिया के सबसे लंबे पुरुषों में से एक है। वो सिंध से ताल्लुक रखते हैं और अपने हाइट के कारण दुनिया भर में फेमस है। नसीर अपने भाई शायर के साथ संगीत और डांस के क्षेत्र में भी काफी नाम कमा चुके हैं। नंबर 3, सन मिंगमिंग। सन मिंगमिंग एक चीनी बास्केटबॉल खिलाड़ी और अभिनेता है, जो अपनी ऊंचाई के कारण दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। सन की ऊंचाई 7 फुट 9 इंच है। वो एक बास्केटबॉल टीम के साथ खेलता है, जो चीन की नेशनल बास्केटबॉल लीग में खेलती है। सन ने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की और फिल्मों में कुछ भूमिकाएं भी निभाई हैं। वो बास्केटबॉल खेलने के अलावा सन ने अंग्रेजी, हिंदी और मदारिन जैसी भाषाएं भी सीखी है। अपनी लंबाई का फायदा उठाकर वो अपने देश में ऊंचाई की समस्या की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश करता है। नंबर 2, बाओ सीशुन। बाओ सीशुन 7 फीट 9 इंच की लंबाई वाला एक चीनी व्यक्ति था, जो अपने कद से सबको हैरान में डाल दिया था। 2006 में
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे लंबा आदमी के रूप में शामिल किया गया था। उनके पिता भी 7 फुट 7 इंच के हुआ करते थे, लेकिन कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई थी। बाओ एक अभिनेता भी रह चुके हैं और कई चीनी फिल्मों में दिखाई भी दिए गए हैं। उनके जीवन पे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है। नंबर 1, राघवन चारबीव। राघवन चारबीव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी ऊंचाई के कारण दुनिया में प्रसिद्ध है। उनकी हाइट 7 फीट 9 इंच है और वो एक पुलिस अधिकारी भी है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बॉलीवुड फिल्म अजनबी खिलाड़ी में भी काम किया है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस दौर में भी लोग कितने लंबे हो सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।